नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम आपसे 25x50 का एक प्लान शेयर करेंगे और इसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि 25x50 के भूखंड के लिए सबसे बेस्ट घर का नक्शा क्या हो सकता है। सो दोस्त, 25x50 भूखंड के लिए सबसे बेस्ट घर का नक्शा देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकान का यह नक्शा 25x50 भूखंड के लिए है। सबसे पहले आप मेन गेट से घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेन गेट के बिल्कुल सामने कार पार्किंग दे रखा है। कार पार्किंग एरिया का जो साइज है 13 फीट × 15 फीट है, यानी कि 13x15 फीट का कार पार्किंग एरिया है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कार पार्किंग एरिया में ही स्टेयर केस दे रखा है, यानी कि सीढ़ी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेन गेट के बाईं तरफ गार्डन एरिया दे रखा है जो कि 10 फीट 2 इंच चौड़ा और 3 फीट लंबा है। ओके, नेक्स्ट पार्किंग एरिया के बाईं तरफ लिविंग रूम दे रखा है। लिविंग रूम का जो साइज है 10 फीट 2 इंच × 14 फीट है। ओके, यानी कि लिविंग रूम की 10 फीट 2 इंच चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो 14 फीट है। ओके, लिविंग रूम से आंगन में आने के लिए एक डोर दे रखा है और इसके साथ साथ आप कार पार्किंग एरिया से भी आंगन में आ सकते हैं। ओके, सो दोस्त, लिविंग रूम के ठीक सामने बाथरूम दे रखा है जिसका साइज 7 फीट × 6 फीट 2 इंच है। ओके, और बाथरूम से सटा हुआ एक लैट्रिन रूम दे रखा है जिसका साइज 7 फीट × 5 फीट है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लैट्रिन रूम के सामने एक बेडरूम दे रखा है। बेडरूम का साइज 10 फीट × 15 फीट है, यानी कि 10 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा। ओके, और इसके साथ साथ लैट्रिन रूम से सटा हुआ एक छोटा बेडरूम है जिसका साइज 8 फीट × 11 फीट है, यानी कि 8 फीट चौड़ा और 11 फीट लंबा है। ओके, और छोटे बेडरूम के ठीक सामने एक ओपन स्टोर रूम दिया गया है जिसकी लंबाई की बात करें तो 4 फीट 9 इंच है। ओके, और ओपन स्टोर रूम के ठीक सामने किचन है जिसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 8 फीट 2 इंच चौड़ा है और 10 फीट लंबा है। ओके, और किचन से सटा हुआ एक बेडरूम है जिसका साइज 15 फीट × 10 फीट है, यानी कि 15 फीट चौड़ा है, यानी कि 15 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा है। सो दोस्त, अगर आप 25x50 भूखंड के लिए घर बनवाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा रूम हो तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस भूखंड में ज़्यादा से ज़्यादा रूम है। आप देख सकते हैं कि 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम और 4, यानी कि 4 बेडरूम आपको मिल रहे हैं। सो यदि आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बेडरूम चाहते हैं तो आपके लिए सबसे परफेक्ट प्लानिंग यही हो सकती है। दोस्त, अगर आप इस नक्शे को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नक्शे को हमने वेबसाइट पर लोड कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाके इस नक्शे को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।